नमो अहंकारं नमो सिद्धारं नमो वायारं नमो अध्यायारं नमो लोये सर्वसाधारणं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुत्तमं मंगलं वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाचोदयन धर्मोस्त मंगलम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जदाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन वचकाय प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लख्य नमो समय सार शिव भूप समय सार किनराज हैं प्याज वाद जिन में मुद्रा जिन निर्गंता नमो करें सब चैन ओम नमः। भगवान आत्मा कारण समय सार है और सिद्ध परमात्मा कार्य समय सार है। समय सार जिंदाज मतलब कार्य समय सार। कार्य समय सार का मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित स्वभाव वाला तो है कारण समय सार। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित परिणमन वाले हैं सिद्ध भगवान कार्य समय सार। वो समय सार के स्वरूप को पूर्ण रूप से कहना तो शक्य है नहीं। त्यागवाद के द्वारा आचार्य भगवंतों ने कहा है मत्सुर्त ज्ञानी कैसे समझेंगे त्यागवाद के द्वारा ही समझेंगे। समय सार जी आदि ग्रंथों में शुद्ध न्याय की प्रधानता से कहा उस आत्मा को शुद्ध न्याय की प्रधानता से कथन किया त्रिकाल शुद्ध कहा अशुद्ध पर्यायों से निरपेक्ष कहा शुद्ध पर्यायों से निरपेक्ष कहा। क्या मतलब शुद्ध पर्याय से निरपेक्ष का क्या मतलब इसका मतलब क्या है निरपेक्ष। अरे भगवान शुद्ध पर्याय प्रकट हो तब वह शुद्ध हो ऐसा नहीं है। अशुद्ध पर्याय के काल में भी वो अशुद्ध पर्याय से कथनचित न्यारा शुद्ध है। बहुत लोग कहते आत्मा शुद्धता प्रकट हो तब शुद्ध माने अबे कैसे माने के माने तो प्रकट हो उल्टा करता है। शुद्ध माने तो शुद्ध प्रकट हो शुद्धता प्रकट हो के शुद्धता प्रकट हो तब शुद्ध माने बता ये कोई बात रही। पाषाण में मूर्ति जाने तो प्रकट हो के मूर्ति प्रकट हो जाए तब जाने। सामान्य जीव तो मूर्ति अब मूर्ति जब प्रकट हो जाती है तभी जानते हैं। सामान्य जीव तो बहुत से जीव तो व्यवहार का पक्ष है तो जब मूर्ति प्रकट हो गई तभी उसे मूर्ति जानेंगे। लेकिन शिल्पकार तो पाषाण में पहली मूर्ति देखता है तब प्रकट होती है। प्रकट होने पर जानने वाले जीव प्रकट नहीं कर सकते। क्या कहा प्रकट होने पर जानने वाले जीव प्रकट नहीं कर पाए। प्रकट कैसे तुमसे कहा बना मूर्ति हम कैसे बनाएंगे हमें मालूम ही ना क्या है आँख क्या है वो उसमें पत्थर में है कहाँ उसके ज्ञान में है वो छांटता जाता बनाती नाक प्रकट हो जाती है आँख प्रकट हो जाती है कान प्रकट हो जाते हैं। जानता जानने वाला प्रकट कर सकता है जानता नहीं वो कैसे प्रकट करेगा बोलो। वो उसको बच्चे को छेनी हथौड़ा पकड़ा तो उठा के पत्थर बर्बाद कर देगा। कपड़े में कमीज जानने वाला टेलर वो कमीज कटिंग कर सकता है सिल सकता है सब कर सकता है और कटिंग कपड़े में कमीज न जानने वाला बालक क्या करेगा दाव कैंची हमें दो हम काटेंगे तुम क्या काटोगे बता कैसे काटोगे हमें बता ये नहीं मालूम हमें हम करेंगे हमें मालूम नहीं तो तुम बता दे
कैसे काटे। ये शैली तुम लोगों की है, बालकों की तो है जो है ही। ला हम करें, कैसे करोगे? हमें पता नहीं, तुम बताए तो पता ही नहीं है। तो करे हम करें, ये कैसे आ गया? पहले समझो फिर उसके बाद करना। सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग के प्रकाश करने वाला है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रतीति रूप है। चारित्र साक्षात मोक्ष मार्ग। ज्ञान का काम प्रकाशित करना है। वो मोक्ष को, मोक्ष मार्ग को, धर्म को, कर्म को, सबको प्रकाशित करेगा। और वो प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है वो कोई उसे भिन्न तो है नहीं। कैसे मोक्ष मार्ग से, मोक्ष से भिन्न तो है नहीं। कर्म से तो भिन्न है, लेकिन उससे भिन्न तो है नहीं। इसलिए वो स्वयं मोक्ष मार्ग कहा जाता है, स्वयं मुक्त कहा जाता है। ज्ञान साक्षात स्वयं प्रकट मोक्ष का मार्ग है। क्यों? कि वह ज्ञान स्वयं मुक्त स्वरूप है। मुक्त स्वरूप का अर्थ क्या है? आत्मा से अभिन्न है, पर से भिन्न है। मुक्त का मतलब क्या है? आत्मा से अभिन्न है और पर से भिन्न है। शास्त्र की बात बता, शास्त्र की बात बता। अग्नि की उष्णता अग्नि से अभिन्न है और ज्ञान से भिन्न है, और उष्णता का ज्ञान आत्मा से अभिन्न है और अग्नि से भिन्न है। सोने का पीलापन सोने से अभिन्न है और ज्ञान से, ज्ञानों से भिन्न है। और ज्ञान सोने का ज्ञान पूछ रहे, सोने के पीलेपन का ज्ञान वो आत्मा से अभिन्न है, सोने से भिन्न है। सूक्ष्म बात है भाई, क्या कहे। ज्ञान उससे भिन्न है। एक चर्चा की थी याद हो तुम्हें? देखो रोग तो दुख का कारण होता है, लेकिन रोग का ज्ञान दुख दूर करने का कारण है। ज्ञान नहीं दुख का कारण है। एक बुखार है तो दुख होता है, अरे डॉक्टर ने देखा उसको दुख कहाँ हो रहा। बुखार भले दुख का कारण हो, दुख का कारण नहीं है, निमित्त है। रागी के लिए दुख का निमित्त है, बैरागी के लिए दुख का क्या निमित्त है? निजरा का निमित्त है। यहाँ तो ये कहेंगे शरीर का रोग हो, प्रतिकूलताएं हो, ये भी दुख के कारण नहीं है। राग से जब दुखी होता तब वे निमित्त होते। लेकिन उसे निमित्त की अपेक्षा दुख का कारण कहे ना, तो दुख का कारण वो, लेकिन उस रोग का ज्ञान, ज्ञान थोड़े दुखी करता है। आपने देखा वो ही बहुत बुखार है, आपको दुख हुआ तो आपको अपने राग के कारण दुख हुआ है। जिसे राग नहीं है वो कौन दुखी होगा? अच्छी रही, बढ़िया रही, बुखार आएगा, पेपर खराब हो जाए, हम आगे बढ़ जाए। अब बताओ उसको क्या दुख होगा? उसको तो हर्ष होगा, द्वेष बुद्धि है ना वहाँ। ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, पर से भिन्न है। क्या किसी पर का ज्ञान भी आत्मा से अभिन्न है, पर से भिन्न है। इसीलिए पर का जानना व्यवहार है। स्वप्रकाशक निश्चय है और पर प्रकाशक व्यवहार। व्यवहार का मतलब ये नहीं है वो पर को नहीं जानता, वो पर के साथ तादात्म्य नहीं है, भिन्न अभिन्न नहीं है, इसलिए वो व्यवहार है। दूध का लोटा दूध से भिन्न है, दूध का लोटा दूध से भिन्न है ना, और धातु से अभिन्न है। और लोटे का दूध, लोटे का दूध पता, उस लोटे से भिन्न है, दूध से अभिन्न है। लोटे का दूध कोई अलग प्रकार का नहीं होता। लोटे का दूध,
क्या भैंस का दूध है, क्या दूध का दूध है? तात्पर्य यह है, लोटे का दूध लोटे से अभिन्न नहीं हो गया, नहीं तो लोटे से निकलेगा ही नहीं, तुम निकालो उसको, अभिन्न ही हो गया लोटे। अब दूध उपद्गल से अभिन्न है और दूध का ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। दूध का ज्ञान दूध में नहीं है, दूध का ज्ञान दूध के कारण नहीं होता, वो आत्मा से अभिन्न है। अब रागी को हर्ष प्रसाद होता वो अलग बात है, जैसे राग का ज्ञान राग से अभिन्न नहीं है, राग का ज्ञान भी राग से अभिन्न नहीं है, राग से भिन्न है। बोलते ना आप लोग कभी कभी, क्या करें आज उपयोग खराब हो गया, उपयोग और खराब होता ही नहीं, उपयोग का काम जानना है, वो खराब को जानता है। उपयोग खराब हो गया माने क्रोध हो गया, हास्य हो गया, मान हो गया, अधिकांश क्रोध को मानते उपयोग खराब होना, बाद मांगी लोभ आया तो उपयोग खराब मानते ही नहीं, अगर मान आए तो उपयोग खराब मानते ही नहीं। अगर किसी वस्तु को देख करके तुम्हें मान आया तो उपयोग खराब हुआ तुम्हारा, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो उसको उपयोग खराब हो गया, अगर क्रोध आया तो हम वो मानते उपयोग खराब हो गया। किसी ने आकर के प्रशंसा करी तुम्हारी और तुम्हें मान आया, तुमको कुछ नहीं लगता उपयोग खराब हो गया, इसने आकर के उपयोग और खराब कर दिया, कभी नहीं लगता। और उसको वो आकर के कुछ तुम्हारी बुराई करने लगे, सोच तुम्हारे को गुस्सा आया, सवेरे सवेरे उपयोग और खराब कर दिया इसने आकर के। मान लोभ आदि को कसा है, मानता ही नहीं है, ये कसा है, मानता ही नहीं है कथा है, जबकि ये महाकथा है। ज्ञान आत्मा से अभिन्न और मान पुद्गल से अभिन्न, ये अध्यात्म शैली है। पुद्गल से अभिन्न माने यहां से इसमें मत देख लेना, अब उस ज्ञान में मान नहीं है और मान में ज्ञान नहीं है, काय के ज्ञानी, काय के ज्ञानी हो जिन्हें मान आता है, जिन्हें इसकी कल्पना होने से मान उत्पन्न हुआ वो ज्ञानी काय का। तो साथ सम्यक दृष्टि को भी होता है मान, अरे तुम्हारा, तुम सम्यक दृष्टियों की चर्चा करके तुम अपने को का सम्यक दृष्टि सिद्ध करना चाहते हो, भगवान सिद्ध करना चाहते, भगवान को पूर्ण ज्ञानी को बिल्कुल मान नहीं होता और सम्यक ज्ञानी को अनंतानंदी मान नहीं होता, इतना अंतर है। माने ऐसा मान नहीं होता वो मान के वशीभूत होकर देव सास गुरु को अनादर कर दे, गुरु का गुरु बन जाए, अपने को ही पुजवाने लगे, अपने को ही पुजवाने लगे, ऐसा मान नहीं होता, अन्याय करने लगे, अभक्ष्य भक्षण करने लगे, माने अनंतानंदी मान नहीं होता। कैसा मान होता है, प्राण जाते हुए अपनी मर्यादा को भंग नहीं करे, इसको स्वाभिमान कह देते लोक व्यवहार, प्राण जाते हुए भी अपना नियम नहीं तोड़ता, धर्म को नहीं छोड़ता, ऐसा मान होता। इसको व्यवहार न ऐसे स्वाभिमान कह देते, क्या कह रहे हैं यहाँ, आत्मज्ञान के बिना पुत्रादिक से विमोहित होता हुआ जी, पुत्रादिक शब्द लिखा क्यों, मूल से ब्याज प्यारो लौकिक में कहते,
मूली से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। बूढ़े लोगों को देखो नाती से ज्यादा प्रेम हो रो लड़का की अपेक्षा तो वो पुत्राधिक ले गया। ना समझ युवा व्यक्ति, ना समझ युवा अपने पिताजी की उपेक्षा करेगा और पिता पुत्रों से अपेक्षा रखेगा। अपने पुत्र की तो सभी बातें पूरी करेगा और पिताजी की अपेक्षा करेगा, उपेक्षा करेगा। मनी विशेष मोह होता है पुत्राजी का, क्यों? ये हमारा नाम चलाएगा, ये हमारे ऐसे करेगा। पंडित टोटरमल जी ने मोह की महिमा में क्या लिखा पुत्र के संबंध में? जीवित तो हम मर जाए जी बचिया, हम बीमार हो जाए जी ठीक हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता, कैसे होगा? एक दूसरे के कर्म को भोगेगा, एक दूसरे का प्रणमन करेगा, विचार करो तो पुत्रादिक से विमोहित होता हुआ क्या करने लगता है? चिरंजीव भाई का चिंतन बता, जब पति का देहांत हो गया 18 वर्ष की उम्र विधवा हो गई तब वो क्या चिंतन, जब होश आया पहले तो कुआं में गिर के मरने की तैयारी कर ली, तैयारी कर ली मैंने जाकर के बैठे ही कुआं पे, अब बेकार है जिंदगी। उस समय तो 6-6 महीने मौन नहीं देखा थे, कब मंगल कार्य में शामिल नहीं होने देती थी, ये आप शकुन हो गए, अंधविश्वास है, अज्ञान है। तो पहले तो कुआ में गिर जाओ, का जीवन का करने मर जी का करने का है। बाद में होश आ गया, बड़ी होनार के अनुसार बुद्धि भवितव्य अनुसार पड़े तो होश आया, तो होश आया तो क्या हुआ, विचार करने लगी, क्या विचार करने लगी, कुआ में गिरे और नहीं मरे, हाथ पांव टूट गए, कौन निकाल लो तो फिर करते रहे जिंदगी भर और क्या होया, दुख दूर कैसे होगा कुआ में गिरने से, बताओ। कुआ में गिरने की जरूरत भी क्या है, जिसका वियोग हुआ है उसमें मेरी पति की कल्पना यही तो दुख का कारण है, मोह तो दुख का कारण है, बाद बाकी रोज जन्म होते रोज मरण होते। वहां से उठी और चली आई, विचार करने लगी, हे भगवान बहुत बड़ी पाप से बच ली आज आत्मघात, मेरे दुख का कारण मोह तो है, पति का वियोग थोड़ी, मोह दुख का कारण। सोचो पति के वियोग से जिस ब्रह्मचर्य के लिए लोग बुढ़ापे में तरसते हैं उसका द्वार मेरे लिए खुल गया, संयम का द्वार खुल गया, हम जा मैं बताओ दुखी हो गए मोह से तो हो गए, पति का संयोग रहता मान लो मोह में पड़े रहती, अभक्ष भक्षण कहते, संतान आदि होती उसमें आर्तर ध्यान में लगते, उसके लिए संग्रह करते, उसके लिए कितना न्याय अन्याय करते, क्या करते, सारी झंझट खत्म हो गए। मैंने चिंतन बदलो देखो किस, और नाम आम की बात करो तो महावीर स्वामी का नाम आज भी चल रहा है, बाल बच्चन मान के नाम कितने दिन रहते, कितने दिन रहेंगे? अरे हम कहते तुम्हारे नाती का साथ का बच्चा हो ना वो तुम्हारा नाम नहीं है, महेश जी घर चले जाना, वो हमें नहीं मार बंटू के आओ, मैंने वो तुम्हारा नाम ही नहीं जाना, तुम्हारी पीढ़ी वाले तुम्हारे व्यवहारी है, तुम्हारे पुत्र की पीढ़ी वाले पुत्र के व्यवहारी है, तुम्हारे नाती की पीढ़ी वाले नाती के व्यवहारी, पीढ़ी बदल गई।
विचार करो ऐसी चलता है। वो आजकल की बात, पहले तो 3 पीढ़ी कम से कम व्यापार में नाम चल तो फर्म चलती, अब तो पिता पुत्र के नाम फर्म है, पिताजी काम कर रहे। मेरे मोह की दशा अलग है, पिता के नाम पे नहीं पुत्र के नाम पे करेंगे। पिता की पुण्य स्मृति मनाए चाहे न मनाए, बच्चे की बात गांठ मनाए। पिता के पुत्रादिक के नाम से दान पुण्य करेंगे, ये नहीं है पिताजी के नाम से करें, अम्मा के नाम से करें, दादी के नाम से करें, उनको भी कम से कम आदर और स्वाभिमान हो। ये हमारा, ये हमारी गृहस्थी है। पुत्रादिक के विमोहित हुआ माने कितना न्याय न्याय करता है, कितना बक्ष बक्ष करता है, कितना एडजस्ट करता है। आज क्या हो गया, आज क्या हो गया बोलो? आज्ञालोपी बच्ची हो गई, आज्ञालोपी शिष्य हो गए। पंचम काल में है ही व्यवस्था सारी, वो तो शास्त्र में लिखी है। आप चाहो तो भी वो कहे वो लड़का नहीं मान रहा, क्या करें, बाल बच्ची मानते नहीं, चलिए चलते नहीं। हालांकि ये भी एक मोह का कथन है, चली नहीं बहुत अच्छी बात है, तुम तो चले आओ, जहां नहीं चले वहां से चलते बनो। अब तुम खुद ठाड़े हो और कह रहे चली नहीं, चल नहीं रही, चल नहीं रही तो तुम कहां ठाड़े। हमें आज भी याद आया थी, कम से कम 20-30 वर्ष पहले की बात है, एक बाबूजी थे गांव में, बाबूजी कहते बूढ़े आदमी थे, तो नाती का विवाह था। अब नाती के विवाह का मतलब लड़का कितने वर्ष का हो गया, 40-45-50 वर्ष का हुआ कि नहीं, तो नाती का विवाह था। तो नहीं बाबूजी आपको चलने बात, अब बेटा तुम जाओ, बहन दियो हमें जाओ, नहीं नहीं आप जैसे करते ऐसे हो बहुत। तो भैया गांव की गांव में बरात थी, सुबह चल गए अपना छड़ी लेकर के चलते थे, चल गए। और एक जगह सड़क पे बच्चों ने नाच करना शुरू किया उसके दोस्तों ने, अब तो महा पाप के काम हो गए। दूल्हा दुल्हन खुद नचने लगे, दुल्हन का मुंह नहीं दिखता था, धिक्कार है इसमें, ये खुद नच रहे स्टेज बना के। ऐसी जगह खड़े होने लायक नहीं है। मैंने कहा जी कॉन्वेंट की शिक्षा चल गई और कप है मोबाइल और फिल्म के नाटक चल गए, पश्चात वे खुद नच रहे, अपने फोटो लगा रहे, हे भगवान धिक्कार है तुम्हें। वो नचबे के लिए दुद्धे महीना भी ट्रेनिंग कर रहे, अभी बता रहे कल एक वो मुसलमान सिखाने आता था नाच, तो वो लड़की भगाई गई, एक लड़की तो उसी के साथ चली। मैंने उसी के साथ चली गई, सिखाने वाले के साथ, नाचवे में कमर में हाथ डाल रहो, पकड़ रहो, हाथ कर रहो, लगा रहो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे सबने नाटक कर रहे हो। तो मैंने कहने लायक बातें नहीं है। तो भैया लड़के के दोस्तों ने नृत्य करना शुरू कर दिया, बाबूजी ने जैसे ही देखा अपने डंडा पीछे भाई तो चल रहे पीछे, बाबूजी चलेगा, बाबूजी चलेगा। तो पहुंचो वो लड़का 50 वर्ष को, टोपी लगाने का समय था, बाबूजी बोले हमका जो कह तो नहीं रहे। वो लड़का ने अरे हमका जो कह तो नहीं रहे, कुछ कह रहे हो तुमसे तो बता। सड़क पे टोपी घर गई, अब नहीं हुआ ये समझो, वो समय हमने देखा, अब क्या करें। मैंने हर आदमी ने एक ऐसी व्यवस्था सोची, क्या करें वो चलती नहीं है, क्या करें वो बनती नहीं है, क्या करें अरे चलती नहीं कि चलाते नहीं, अरे तुम हटो ना वहां से देखो चले। आज भी हम ये कह रहे हैं बिना तुम्हारा लड़का विवाह कर लेगा, कर लेगा तो कर लेगा, कर ले तो तुम्हारे पास पाप नहीं है, कम से कम तुम तो अनुमोदन मत करो कम से कम।
अगर थोड़ी सी उसमें मानवता होगी, थोड़े से संस्कार होंगे तो तुम्हारे बिना नहीं कर सकता, ये निश्चित बात है। लेकिन अगर मान लो संस्कार नहीं है, उल्टे हैं और बैठी हैं, कर ले तो कर ले, जाओ हटो यहां, अपनों अंगों को अगर गल जाए तो निकाल के बाहर कर दे, और क्या करते बता, हटो यहां। पुराण में क्या सुंदर चर्चा आई, चार गत जब नहीं माना, लौट के नहीं आ रहा, तो कह के अब हम दीक्षा लेके जा रहे, हम क्या करने, ठीक है तुम सब देखिए जो कछ हो, और रुक ले कहा रुक ले, अब हम पुत्र आदि से मोहित हुआ, जरा छुआ था देखो तो सही। जो लौकिक ग्रस्तों में पुत्रादिक के प्रति मोह है, ऐसे ही ये शिष्यादिक के प्रति मोह, मेरे से ऐसी लड़ाई होती है। अब क्या कह रहे हम मूलों में, विवेकियों में नहीं। एक दुकानदार ग्राहक दूसरी दुकान पर चलो जाए तो वो लड़ने तैयार हो जाए, ऐसे ही एक अच्छा हमारे से शिष्य के पास चला गया, जिका बात करो विका कह रहे थी फलाना क्या कर रहा था, अरे तुमने ऐसे क्या समझ लो, तुमने बंद के रखो क्या करोगे, और बंद के को रहे मेरा करने दो, वहां हम चले आ, सुनिया सुनिया सुनो, नहीं वहां क्या सुनना है, न, अरे क्या सुनना है, ये क्यों सुनन दे ना, तो बोले वो वहीं को ये तो ये तो फिर इसका मतलब तुम तो हो जाओ। अगर सही है और उसकी मान्यता बदल गई तो तुम्हें क्या परेशानी, अच्छा है उसका हेतु, और अगर गलत है तो गलत और सत्य का निर्णय तो होना चाहिए। अपनी बुद्धि से अगर निर्णय नहीं होगा तो कैसे हो, अंधकार बिना प्रकाश की महिमा क्या होगी ये बता, अंधकार बिना प्रकाश की महिमा क्या होगी, सोचो समझो, कोई बात घबराने की नहीं है, उसकी होनार तो उसकी होनार है, जो होगी होगी, हम क्या करेंगे, निमित्त है उसका। वे ऐसो कह रहे, अरे तो तुमने मान कैसा ली, तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी, कोई तुमसे जहर खाने की कहे तो जहर खा रही हो, बता सोचो समझो विचार करो। हमारे तो आचार्य कह रहे दर्शाऊ तो करना प्रमाण, हम कह रहे सो हाँ हाँ मत कर देना, हाओ 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 न दर्शाऊ तो करना प्रमाण, प्रमाण माने, अरे प्रमाण माने समझना, यही है स्वानुभव, तो ऊंची बात है, दर्शाऊ तो करना प्रमाण। एक बैठ जीते पुराने, अब तो शांत हो गए, अब हम लोग तो दवाई पूछ पाछ के सब लेते ना, तो फलानी चीज ले लो, ले पढ़ ले हमें बनाई है, और देखो जो है ले पढ़ ले, वो फलाने पेज पे ले पढ़ ले, भाई जी आप कह रहे तो नहीं नहीं पढ़ लो, तुम नहीं मानो तो वो बात नहीं, अगम का अभ्यास स्वयं का भी चाहिए, कौन क्या कह रहा कैसे कह रहा क्या नहीं कर रहा, अब बिना अभ्यास के तुम्हें कुछ पतो ही नहीं पड़ता। उन्हीं गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, तो पुत्रादि के मोह में महा अनर्थ करता है। अपन गीले में सोएगा, दूसरे उसको सूखे में सुलाएगा, अपन फटो पहनेगो बाय नव सिलवाएगो, अपन छाछ खाएगो बाय घी खवाएगो, तुम पढ़ो अपन पढ़ नहीं पाओ, गांव में रह के मेहनत मजदूरी करेगो और बाय पढ़ तुम बेटा पढ़ ले। और ये जो बच्चे माता पिता की अवज्ञा करते हैं और स्वच्छंद होकर के उल्टी प्रवृत्ति करते हैं, वे महापाप बनते हैं, जीवन में उनको कभी चैन नहीं मिलेगा। ठीक है पैसा कमा ले चाकच कर ले, लेकिन कभी चैन नहीं मिलेगा। गुरुजनों का अनादर करने वाले कभी सुखी नहीं होते, गुरुजनों का आदर करने वाले जीव तो क्या कहा, गुरुजनों का आदर करने वाले जीव तो
तत्व ज्ञान के अभ्यास से सुखी हो जाएंगे, लेकिन गुरुजनों का अनादर करने वाला कभी सुखी नहीं होगा, चाहे लौकिक गुरुजन हो चाहे मोक्ष मार्ग में गुरुजन हो। अब चाहे तुम अपनी लाइन पढ़ लो चाहे ये पढ़ लो, स्वच्छंदता से अनंत काल में मार्ग नहीं पाता, क्या करेंगे? हमने जो सोची, हमने जो विचार करो, फिर तुम हो तो को सोची बारे विचार, तुमने जो विचार करो कि नहीं करो ये बताओ। जो शास्त्र में लिखा वो विचार किया, हमने कहा उसका विचार किया, क्या निगेटिव विचार करके भाई निगलेक्ट करके रख दो, जब विचार करके देखोगे तो तुम्हें भी वही वाचित होगा जो जिनागम में कहा है। क्यों? नान्यथा वादिनो जिना। अगर तुम विचार करके देखोगे तो तुम्हें भी ये अनित्य वाचित होंगे संयोग, तुम्हें भी असरण भाषित होंगे अगर तुम विचार करोगे तो ये विचार करो असरण है। हमारे बच्चे लड़का तो अच्छो है, हमारे लड़का तो जान दे तो, हमारे लड़का तो खूब कमाओ, हमारे लड़का तो फलाना है, अरे जी बातें मत सोचो। गुरु महाराज कह रहे ये असरण है पुत्रादि, तो असरण पने का विचार करो, नहीं बांट पाएगा, तुम्हारी वेदना को नहीं बांट सकता। हम पिता पुत्र की बात नहीं कर रहे, कई जगह बच्चे थोड़ी सी धर्म की रुचि होती है पिताजी से, आप तो छोड़ो जी पापा, आपने खूब मेहनत कर ली, अब आप धर्म ध्यान करो, आओ भी जबरन वाले तो कहा करें बताओ। हाँ तुम हमें घर नहीं रखना चाहे, तुम हमसे जगह रहे आश्रम में रहो, अब बता बेटा वो पिताजी तुम तो जाओ अपने आश्रम में रहो, चित्त पे रहो आराम से, और जो खर्चा चाहिए खूब भेजे, तुमने खूब मेहनत करी, अब तुम्हारे धर्म ध्यान को समय है, तो अच्छी कही बने कि बुरी कही बता। लेकिन वो हाँ तुम हमें घर नहीं रखना चाह, अब बता तो रहो भैया, मोह की ऐसी दशा है तुम हमें घर नहीं रखना चाह। हाँ तुम्हें वैसे ही कभी छोड़ दे तो बात गलती है, लेकिन तुम्हारे धर्म ध्यान की प्रेरणा कर रहा, धर्म ध्यान की व्यवस्था कर रहा, जो तुम्हें चाहिए सो हम तैयार हैं, दे रहे सेवा कर रहे हैं, कछु है? तो तुम्हें घर नहीं देना चाह। अब ऐसे मोहियों को कौन तारे, कौन तारेगा भैया? न तो वे दुख बांट पाएंगे, न मरण को टाल पाएंगे, और न तुम्हारे को धर्म में लगा पाएंगे अगर तुम नहीं लगोगे तो। तुम्हारे मोह की मंदता होगी तो धर्म में लगोगे, और मोह की तीव्रता होगी तो विषयों में लगे रहोगे, और रोज ध्यान से मर जाओगे, पुत्र आदि कुछ नहीं कर पाए। अब देख लो इसका विचार करो, ये विचार मत करो हमारी तो अच्छी है नहीं हमारा, अरे हम बुरे क्यों कह रहे, लेकिन वो असमर्थ है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता। हम खूब बांटने चाहते हो तो बांट लेंगे तुम्हारे, अच्छा तुम हमारा बांट लो चलो, हम तो खराब है सो तुम्हारी नहीं बांटती वेदना को, तुम तो अच्छी हो तुम हमारी वेदना बांट लो, बोलो महाराज क्या करें। माँ बैठे बैठे हाथ फेर रही, बेटा ये बांटने की चीज तो है नहीं, शांति से सहन करो, और कोई उपाय नहीं, ओमकार मंत्र पढ़ो, भगवान को नाम लो, अब बस है सो इलाज कर रहे, अब दवाई कर रहे, अब हम क्या करें, वेदना तो होगी, अब वेदना तो बांट ही नहीं जाती। माँ कह रही है, माँ से ज्यादा बात चले किसको होगा, क्यों किसको होगा माँ से ज्यादा बात चले, गुरुओं को। माँ का बात चल नहीं है, मोह है तुम्हारे शरीर से, प्रेम है उसे, दूध पियो करो, अच्छे खाओ करो, अच्छे पहनो करो, ठीक ढंग से रहो करो, गुरुओं का बात्सल है तुम्हारा, तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, ये बात समझे बिना नहीं समझ में आएगी। अपने को आत्मा समझे बिना गुरुओं के बात्सल का कीमत नहीं आ सकती, अपने को आत्मा समझे बिना गुरुओं के बात चले की कीमत नहीं आ सकती,
जब अपने को आत्मा समझेंगे तब समझ में आएगा सच्चा बात सरे तो ये नहीं कहा है। ये हमारे निरपेक्ष उपकारी हैं, इस भव के भी उपकारी हैं, अगले भव में भी उपकारी भव भव सच्चा उपकार तो यही कर रहे हैं। सब कुटुंब में डूबे तो ही तारण तरण जिहाज सुगुरु हैं। अब जहाज में बैठो ढंग से तब ना, बैठो ही नहीं तो क्या करें, क्यों जहाज है तो जहाज जबरन तार देगा तुम्हें, जहाज में बैठना पड़ेगा ढंग से, मुफ्त में बैठ जाओगे टिकट लेने पड़ेगी, उसकी जो अर्हताएं हैं वो पूरी करनी, वो टेस्ट होगा फलाना होगा, होगा तो होगा, जहाज में बैठना है तो जहाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा है, मोक्ष मार्ग में लगना है तो मोक्ष मार्ग के नियम पालने पड़ेंगे। विचार करो भाई, पुत्रादि के मोह में पड़ा हुआ जीव आत्मज्ञान के बिना कभी सुखी नहीं होता। पुत्रादिक से मोह से रहित आत्मज्ञानी जीव आत्म साधना के द्वारा समय पर सुखी होता है। जितना राग मिटा उतना सुख होता है। आत्मज्ञानी जीव को भी उतना ही सुख है जितनी क्षमता है। जितना राग है उसको भी दुख है। समृद्धि क्यों ना हो, माने हम ये कह रहे हैं समृद्ध दृष्टि का राग भी दुख का कारण है तो मिथ्या दृष्टि का राग बताओ सुख का कारण कैसे हो सकता। सावधान, ये राग आग दहे सदा, साते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अवतो त्याग निज पद ओम नमः। जिन स्वान भूति से खिरी मम स्वान भूति मधिगी विमल धारा जैन सुत आनंद अमृत से भरी ता प्रवाह बहावती गाज विकलप तोरिके मां सरस्वती प्रतिभाव वन लक्ष्मी जी में जोड़ के।